Hello everyone. Hi. This is Shinjin. This is Devanjali. Welcome back to our channel. And बहुत ज़्यादा गर्मी already you know आ गया है. And इसके लिए हम लोग एकदम तुरंत summer wedding collection आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं. Last to last week हमने दिखाया था 100% pure कतान के ऊपर बनारसी. वहाँ पर भी आप लोगों ने फिर से comment कर दिया है कि कुछ ऐसे टाइप के साड़ियाँ रीजनेबल प्राइस रेंज में दिखाइए. तो मैं यही सोच रहा था कि मैं ना हर कलेक्शन का दो यू नो रेडी रखेंगे, क्योंकि जब भी मैं प्योर के चीजें दिखाऊंगा आप लोग नीचे कमेंट कर देंगे तुरंत कि प्लीज ब्रिंग दिस काइंड ऑफ सारीज इन इज रीजनेबल प्राइस. एक सेकंड, आकाश आज पहली बार कैमरा होल्ड कर रहा है, उसने कैमरा को फिर से खराब कर दिया. कैमरा का यस अभी अभी ठीक आ रहा है. यस, तो हाथ को स्टेडी पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये एक बात है. तो एनीवे आज का एपिसोड तुरंत जल्दी से शुरू करते, नहीं तो आकाश फिर से फ्रेम को चेंज कर देगा और मेरा असर ऊपर से कर जाएगा. बट एनीवे, तो आज के एपिसोड में हम लोग सेमी कतान साड़ियाँ दिखाएंगे. बट ये सभी साड़ियाँ पूरा एग्जैक्ट सेम लूम पे बनता है जो कि हम लोगों का प्योर कतान बनता है. जिस लूम पे प्योर कतान बनता है वही लूम पे सिमिलर कॉन्सेप्ट में हमारा ये सेमी कतान का भी डिजाइन बनते हैं, बट सिर्फ धागा बदल जाते हैं, डिजाइन सेम रहता है. चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड. बट याद दिला दे, यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल इज pics@_shinjin एंड Shinjin and Devanjali का एक ब्लॉग्स चैनल भी है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा. लेट्स गेट Started. Hello everyone, welcome back to our channel. And आज का जो एपिसोड है वो रेप्लिका कतान बनारसी के ऊपर बेस करके है. रेप्लिका हम लोग किस लिए कह रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो प्योर कतान बनारसी साड़ी आप लोगों को दिखाते हैं जो सिल्क वर्क सर्टिफाइड होते हैं, ये जो साड़ियाँ हैं सिर्फ दिखने में हूबहू सेम है, सिर्फ दिखने में नहीं है. इनफैक्ट जब साड़ियों को आप यू नो टच करके देखेंगे तो इसका जो हैंड फील है वो भी एकदम सिमिलर है. इसके कारण हम इसको सिर्फ सेमी कतान बनारसी ना कहते हुए इसको रेप्लिका कतान बनारसी कह रहे हैं, बिकॉज इट इज़ लाइक यू नो नियर मैच टू प्योर कतान बनारसी साड़ीज. लुक्स इसका डिज़ाइन, एंड ये इसी कारण पॉसिबल है बिकॉज जैसे Shinjin ने कहा कि ये जो साड़ियाँ हैं वो एग्जैक्ट सेम लूम पे बनते हैं, कारीगर सेम है, तो यू नो जो जरी का काम, जो नक्शा, जो डिज़ाइन, जो पैटर्न्स हैं वो बिल्कुल प्योर कतान बनारसी के टाइप के ही हमने बनाए हैं. साड़ियों का फॉल एंड हैंड फील बिल्कुल प्योर कतान बनारसी जैसा ही आता है. ये उन लोगों के लिए है जो हमें कॉन्स्टेंटली हमारे कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट करते रहते हैं एंड ऑल्सो इन आर व्हाट्सएप कि इस प्राइस रेंज में हमारे लिए कतान बनारसी लाइए, क्योंकि सामने में वेडिंग सीजन है. एंड शुरुआत करेंगे एक बहुत ही न्यूट्रल कलर के बनारसी साड़ी के साथ, जो वेडिंग ट्रूजों में देने के लिए तो बहुत अच्छा है ही, साथ ही साथ आपके घर में अगर कोई एल्डरली मेंबर्स है उन लोगों के लिए भी ऐसे यू नो लाइट एंड न्यूट्रल कलर्स के बनारसी साड़ियाँ एलिगेंट लगते हैं देखने में. सो दिस इज द फर्स्ट वन जिसमें हमने प्योर कतान बनारसी के जो कोनिया कॉन्सेप्ट है उसको रखा है. दिस साड़ी विल स्टार्ट विद द ब्लाउज पीस फर्स्ट. सो दिस इज द ब्लाउज पीस जो कि एक मस्टर्ड ब्राउन कलर में है. एब्सोल्युटली, यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज द बॉर्डर जो कि स्लीव्स के लिए दिया गया है. एक्सेलेंट इट्स लुकिंग, एकदम ट्रेडिशनल जो कतान बनारसी के बॉर्डर के डिजाइंस होते हैं उसी के ऊपर बेस करके हैं. दिस इज द बेस फैब्रिक, ब्यूटीफुल. एंड लुक एट द रिवर्स साइड, ये रिवर्स साइड है, यू कैन सी द नीटनेस इन द वीविंग. एंड ये वाला नीटनेस वीविंग में आपको इसलिए मिल रहा है बिकॉज ये सभी पूरा सेम लूम पे बनते हैं, मतलब जिस लूम पे हम लोगों का प्योर कतान बनता है वही लूम पे फिनिशिंग इज आल्सो लाइक प्योर कतान बनारसी. एब्सोल्युटली, एंड डिजाइन कॉन्सेप्ट भी इसीलिए सेम ही है बिकॉज कारीगर्स भी सेम है. यहाँ पर आप देखिए दिस इज द बॉर्डर, यहाँ पर भी आपको डबल जरी का वर्क मिलेगा, ब्यूटिफुल. बट जरी का क्वालिटी प्योर के जैसा नहीं है, बट यू आर गेटिंग वेरी हाई क्वालिटी जरी विच विल लास्ट वेरी वेरी लॉन्ग ऑल ओवर देखेंगे, क्योंकि जरी को एक्चुअली ये जो बेस फैब्रिक है उसके साथ भी मैच करना पड़ता है. एब्सोल्युटली, यहाँ पर आप देखिए दिस इज अ सेमी कतान फैब्रिक, वेरी सॉफ्ट फिनिश. इनफैक्ट हमने तो अभी ऐसे फैब्रिक्स यूज करना शुरू कर दिए कि इट्स ऑलमोस्ट लुक अलाइक. यहाँ पर यू कैन सी दिस इज द कोनिया वीविंग ऑल ओवर देखेंगे, छोटे छोटे बूटी आपको मिल जाएगा पूरा साड़ी के बॉडी में.
एंड दोनों तरफ इक्वल विड्थ का बॉर्डर जा रहा है एंड ये जो छोटे छोटे बूटी है मिनी बूटी जिसको हम लोग कहते हैं ये पूरे साड़ी में एकदम इक्वल डेंसिटी में जाएगा और एकदम एंड तक बिल्कुल ऐसे ही जाएगा। यस, ब्यूटीफुल डिजाइन, कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट में मेंशन करके बताइए। हर साड़ी के साथ परचेज लिंक नीचे दिए मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दिस इज द सेकेंड कलर कॉम्बिनेशन, ये भी आपका कोनिया कॉन्सेप्ट में जा रहा है। इसका बॉर्डर का डिज़ाइन डिफरेंट है, पल्लू का डिज़ाइन डिफरेंट है। ये वाला साड़ी भी आपका ब्लाउज पीस से ही स्टार्ट होता है जो कि एक यू नो प्रॉपर मजेंटा कलर के ब्लाउज पीस हमने दिए हैं। यस, यू कैन सी दिस इज द बॉर्डर, डबल जरी का वीविंग यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, सी द नीटनेस इन द वीविंग। इसका बॉर्डर का पैटर्न भी देखिए, पूरा एकदम प्योर कतान बना है, जो कलर है यहाँ पर आपको पिंक के साथ क्रॉस शेड देखने को मिलेगा। एक्सेलेंट यू नो बेस फैब्रिक कलर। This is the konia. एक दिखाऊंगी, ये देखिए ये जो बूटी का डिजाइन है ये एक्चुअली एक जाली जैसा है, उसके अंदर एक बुलेट डॉट है, तो बहुत माइन्यूट डिटेल्स इस साड़ी में भी है। Yes, absolutely. All over देख लेंगे। And this is a very elegant looking piece. Again, wedding trousseau में add करने के लिए ये सभी साड़ियाँ, believe me, I am telling you, these are perfect. बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा डिज़ाइंस है, बहुत अच्छा यू नो फिनिशिंग है। एंड ये सभी साड़ियाँ अगर आप मेंटेन ना भी करें तो भी आराम से 10-15 साल चला जाएगा, एकदम। दिस इज द नेक्स्ट पीस, अगेन ब्यूटीफुल डुअल कलर का बॉर्डर है इसमें और एक ब्यूटीफुल लीफ मोटिफ का बूटा साड़ी में देखने को मिलेगा। बट इन साड़ियों को हम वेडिंग कलेक्शन के हिसाब से शोकेस कर रहे हैं तो कलर कॉम्बिनेशंस बिल्कुल हमने वैसे रखे हैं। यस, यू कैन सी दिस ब्यूटीफुल मजेंटा कलर। ब्लाउज पीस का जो डिज़ाइन है वो देखिए बहुत ही अच्छा है। ये स्लीव्स का बॉर्डर है, डबल लेयर ऑफ बॉर्डर मिल जाएगा। यहाँ पर भी आप देखिए सैटन का बॉर्डर दिया गया है दोनों तरफ, तो आप बहुत ही क्रिएटिव हो सकते हैं डिज़ाइन को लेकर। एंड दिस इज द पल्लू डिज़ाइन, आप डिज़ाइन को थोड़ा सा गौर कीजिएगा, एकदम हूबहू प्योर कतान बनारसी की तरह ही लगता है। मैं अगर ऐसे फ्रेम को पकड़ के रखूं एंड अगर आप वीडियो को पॉज करके देखें तो आपको प्योर कतान है या सेमी कतान बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, बिकॉज इतना अच्छा फिनिशिंग है। यहाँ पर आप देखें क्लोज अप, डबल जरी का वर्क, सी द नीटनेस इन द वीविंग, बहुत ही क्लीन काम किया गया है। बहुत ही यू नो प्रीमियम बनारसी के डिज़ाइन से हमने इंस्पायर्ड होकर इस पीस को बनाया है। इसका जो बेस कलर है इज़ अ ब्यूटीफुल एमरल्ड ग्रीन कलर। सिर्फ कैमरा में ही नहीं, एक्चुअली सामने भी सब जब साड़ी आप पाएंगे तब भी थोड़ा जज करना मुश्किल होगा, एकदम इंस्टेंटली आप लोग जज नहीं कर पाएंगे सामने से भी कि ये 100% प्योर सिल्क बनारसी नहीं। एब्सोल्युटली बहुत सुंदर है ये पीस, ये पीस कुछ अलग ही ब्यूटीफुल है आई थिंक बिकॉज ऑफ द बॉर्डर डिजाइन, ये इतना अच्छा लग रहा है देखने में। इसका बूटी भी बहुत ट्रेडिशनल है, एंड तक पूरा वर्क देखने को मिलेगा। एक और पीस दिखाते हैं जिसमें हमने फिर से ये डुअल कलर का बॉर्डर का कॉन्सेप्ट रखा है। इसका जो बेस कलर है ये हमारा फ्यूजन स्टूडियो स्पेशल गोल्ड फिश ऑरेंज कलर है एंड बिल्कुल वो गोल्ड फिश का शाइन भी है मटेरियल में। तो ये वाला साड़ी पल्लू से स्टार्ट होता है, कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पर कोरल ग्रीन के साथ, यहाँ पर ब्यूटीफुल गोल्ड फिश कलर का यू नो बेस फैब्रिक कलर, इट्स लुकिंग वेरी वेरी नाइस। यहाँ पर मिडिल लेयर में आपको मजेंटा का भी फिनिश देखने को मिलेगा। लुक एट द जरी का फिनिशिंग, इट लुक्स लाइक अ प्योर कतान, आप बिलीव ही नहीं करेंगे ये मैं अगर आपको नहीं कहूं कि ये प्योर कतान नहीं है। बट क्योंकि ये नहीं है मैं आपको ऑफकोर्स बता दूंगा, दिस इज सेमी कतान, ऑल ओवर देखेंगे। अगर प्योर होगा तो मैं आपको प्योर बता दूंगा, अगर प्योर नहीं होगा तो भी आपको बता दूंगा, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी।
so that you make your buying decision informed way mein. You should be an informed buyer. All over dekh lenge. Beautiful design, goldfish color bhi bahut hi unique hai and iske sath aapko dekhiye beautiful blouse piece mil jata hai match karke pallu ke sath. एक एवरग्रीन कलर कॉम्बिनेशन का बनारसी दिखाते हैं आप लोगों को, रेड एंड ब्लैक, बहुत ही ब्राइट एंड गॉर्जियस. एंड ऑल्सो मुझे इसका जो बॉर्डर का पैटर्न है बहुत पसंद है. एक ट्रेडिशनल मंडला डिज़ाइन में इस बनारसी बॉर्डर को क्रिएट किया गया है. यहाँ पर यू कैन सी दिस इज द बॉर्डर, ब्यूटिफुल. अगेन डबल जरी का वर्क. लेट मी शो द रिवर्स साइड. यू कैन सी ब्यूटिफुल रिवर साइड का फिनिशिंग, क्लीन एकदम, नीट एंड क्लीन वर्क. यू आर गेटिंग दिस ब्यूटीफुल ब्लैक ब्लाउज पीस, उसके साथ दिस इज द पल्लू. रेड एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन, ब्यूटीफुल एवरग्रीन कलर कॉम्बिनेशन. ये कभी भी पुराना नहीं होने वाला कलर कॉम्बिनेशन है. एंड यहाँ पर आप देखिए ब्यूटीफुल बॉर्डर का कॉन्सेप्ट डिजाइन, लुक्स अमेजिंग. बेस फैब्रिक का फिनिशिंग देखिए, बूटी का फिनिशिंग देखिए, डबल जरी का वर्क आपको थ्रू आउट सारे में देखने को मिलेगा. दिस इज अ वेरी नाइस पीस, एकदम रिजनेबल प्राइस रेंज में आपको ऑलमोस्ट लुक लाइक एक प्योर कतान के जैसा साड़ी देखने को मिल रहा है. इनफैक्ट मिल रहा है, बहुत ही अच्छा ड्रेप होगा. इनफैक्ट ये साड़ी का जो फिनिशिंग ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट है कि फॉल बहुत अच्छा आता है. मतलब हर एक प्लीट इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट आएगा जब आप ड्रेप करेंगे. yeah, right. बिकॉज ये मुझे पता है, बिकॉज दीपांजलि को प्लीटिंग में मैं हेल्प करता हूँ रोज रोज एवरी टाइम, सो आई नो. यू कैन टेक माई वर्ड फॉर इट. एंड ब्यूटिफुल साड़ी, एंड तक आपको बूटीदार वर्क मिलेगा. एंड सेम डिजाइन कॉन्सेप्ट में एक और पीस दिखाते हैं. ये वाला साड़ी ब्लैक लवर्स के लिए है. ऑल्दो ये साड़ी ब्लैक नहीं है, ये प्रॉपर मिड नाइट ब्लू कलर में है, लेकिन ये उन ब्लैक लवर्स के लिए है जो लोग शादी में ब्लैक पहनना तो चाहते हैं पर पहन नहीं सकते, घर वाले अलाउ नहीं कर रहे हैं. सो दिस इज अ वन ऑफ ब्यूटीफुल कलर कॉम्बिनेशन. पिंक में जा रहा है इसका ब्लाउज पीस. यस, दिस इज द ब्लाउज पीस बॉर्डर. यहाँ पर अगेन यू आर गेटिंग दिस ब्यूटीफुल मंडला डिजाइन, मजेंटा कलर का ब्लाउज पीस. यू कैन सी द ब्यूटीफुल फिनिशिंग, सी द शाइन इन द बेस फैब्रिक, ब्यूटीफुल अमेजिंग ब्लाउज पीस फैब्रिक. उसके साथ यू आर गेटिंग दिस ब्यूटीफुल ब्लैक एंड मजेंटा बॉर्डर वाला साड़ी, मिड नाइट ब्लू कलर रादर, बट लुक्स लाइक ब्लैक, लुक्स लाइक, सो इट्स लाइक यूनिक कलर. यहाँ पर बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है. यू गेटिंग टू सी दिस ब्यूटीफुल डबल जरी का वर्क फिनिशिंग. क्लोज अप दिखाऊंगा तो आपको समझ आएगा. यस, लेट्स सी, दिस इज द बॉर्डर फिनिशिंग. हर एक साड़ी का फिनिशिंग बहुत ही नीट है, बहुत लाइट वेट है ये सभी साड़ियाँ, जो कि अगेन बहुत ही एक प्लस पॉइंट है ये सभी साड़ियों का. कि ये साड़ियाँ बहुत ज़्यादा लाइट वेट है. आपको जनरली ऐसा लग रहा होगा कि क्योंकि प्योर नहीं है ये हेवी हो सकता है. ऑफकोर्स ये जनरली होता है, बट ये जो चीज़ है, ये जो साड़ी है इसमें वो एप्लीकेबल नहीं होता नहीं है, क्योंकि रेप्लिका बनारसी कह रहे हैं हम लोग, हर एक चीज को रेप्लिकेट करने की कोशिश. यस, इनफैक्ट वी हैव ट्राइड टू क्रैक द फॉर्मूला के वेट भी एकदम सिमिलर प्योर कतान के जैसा ही रहे. सो एंड तक आपको बूटीदार वर्क मिलेगा. दिस इज द नेक्स्ट डिजाइन. आप लोग जो हमारे चैनल में रेगुलर व्यूअर्स हैं, आप सभी ने देखा होगा कि जब पहली बार हमने प्योर कतान बनारसी में इस नेकलेस पैटर्न के बॉर्डर को या डिजाइन को इंट्रोड्यूस किया था, एंड तब हमें बहुत बहुत रिक्वेस्ट आए थे कि प्लीज़ इसको थोड़ा सा रीजनेबल प्राइस में लाइए. उस एपिसोड में हमने ग्रे बॉडी एंड पिंक बॉर्डर को दिखाया था, एंड आज के एपिसोड में भी है, पर साथ ही साथ दो और कलर कॉम्बिनेशंस हम लोग लाए हैं. तो इस डिज़ाइन के बेसिकली आज आपको हम तीन कलर ऑप्शंस या कलर कॉम्बिनेशंस दिखाने वाले हैं. तो पहला कलर कॉम्बिनेशन ये है, एक बहुत ही यूनिक ग्रीन कलर का बेस कलर है, उसके साथ हमने इस फिरोजा ब्लू कलर को रखा है. दिस साड़ी ऑल्सो स्टार्ट्स विद द ब्लाउज पीस फर्स्ट. यस, यू कैन सी दिस इज द ब्लाउज पीस. अगेन एकदम ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट का बॉर्डर. यहाँ पर कोरल ग्रीन कलर का ब्लाउज पीस. ये आपके स्क्रीन में स्लाइटली ब्लूइश लग सकता है, बट ये बिल्कुल भी ब्लूइश नहीं है, ये एकदम ग्रीनिश टोन में है. बट मैक्सिमम आपका ग्रीनिश टोन में है, बट ज्यादा ब्लूइश आपके स्क्रीन में लग सकता है. ग्रीन ही है ये वाला जो पीस, ये एकदम ग्रीन है.
सो एकदम यूनिक डिज़ाइन है, ये नेकलेस डिज़ाइन है इसका, एक प्योर कतान का बनारसी हमने दिखाया था जिसका प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 15,000 तक था, लास्ट ईयर ही हमने दिखाया था, उसी का रेप्लिका हमने बनाया है इस साल. यू कैन सी द बॉर्डर इज एग्जैक्टली द सेम नेकलेस डिज़ाइन, सी द फिनिशिंग, डबल जरी का वर्क, अमेजिंग. एंड दिस इज़ द रिवर्स साइड, देखिए कितना क्लीन एंड ठोस वीविंग है. तो फिनिशिंग में 1% भी कम्प्रोमाइज नहीं है. एंड यहाँ पर आप देखिए दिस इज द बेस फैब्रिक, लुक एट द बूटीदार वर्क, डबल जरी का वर्क. यस, इट्स अ क्रॉस शेड ऑफ ग्रीन एंड हल्का सा येलो कलर, बहुत ही अच्छा है. ये बहुत ही गॉर्जियस लुकिंग पीस है, सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर का डिजाइन इतना यूनिक होने के कारण ओवरऑल सारी बनारसी साड़ियां गॉर्जियस ऐसे ही लगते हैं नॉर्मली, बट इस डिजाइन की वजह से और ज्यादा अट्रैक्टिव हो गया है. यस एब्सोल्युटली, बहुत बहुत अच्छा कलर कॉम्बिनेशन. वेडिंग्स में बहुत वैरायटी ऑफ कलर कॉम्बिनेशन की जरूरत हमें पड़ती है, इसलिए हमने भी कोशिश किया है आज के एपिसोड में भी वैसे ही हम वैरायटीज रखें. दिस इज द नेक्स्ट कलर ऑप्शन इन द सेम डिज़ाइन. इसका जो बेस कलर है हमने एक बॉटल ग्रीन कलर रखा है, उसके साथ रेड, एकदम परफेक्ट है कलर कॉम्बिनेशन वेडिंग्स में पहनने के लिए किसी भी ओकेजन. यस, यहाँ पर आप रेड कलर का ब्लाउज पीस देख पा रहे हैं, एकदम प्योर रेड कलर जिसे हम लोग कहते हैं टिपिकल बनारसी रेड कलर. इसके साथ दिस इज द बॉर्डर ट्रेडिशनल, एंड दिस इज द अदर कलर कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रीवियस साड़ी. ये वाला भी बहुत ही एक ट्रेडिशनल कलर कॉम्बिनेशन है कतान बनारसी में. यू नो यू कैन सी दिस ब्यूटिफुल ग्रीन विथ रेड. प्लीज़ कमेंट पर मैंशन करके बताइएगा कैसा लग रहा है. दिस इज एन अमेजिंग पीस, इसमें भी रेड के ऊपर जैसे ये डिजाइन और ज्यादा ऑर्नामेंटल लग रहा है, बिल्कुल ब्राइडल बनारसी जैसा. यस एब्सोल्युटली, ऑल ओवर देख लेंगे. तो आप लोग देख सकते हैं कि कैमरा में दूर से भी ये सारे डिजाइन्स टूटा हो या चाहे बॉर्डर हो कितना प्रोमिनेंटली आपको नजर में आ रहा है, बिकॉज ये सब साड़ियाँ है ही इतने ज्यादा फोटोजेनिक. तो आप लोग जब इसे ड्रेप करेंगे ना तो आपके फोटोग्राफ्स में भी ये डिजाइन्स बहुत क्लियरली समझ में आएंगे, बहुत प्रोमिनेंट लगेगा. एंड ये वाला कलर कॉम्बिनेशन वो है जिसको हमने प्योर कतान बनारसी में पहली बार हमारे चैनल में शोकेस किया था, एंड ये एकदम हूबहू उसका रेप्लिका हमने बनाया है. सो कम्स इन दिस ब्यूटिफुल स्टील ग्रे कलर एंड उसके साथ एक मजेंटा कलर जो कि जिसमें एक हल्का पर्पल टच भी है. दिस इज द यू नो बॉर्डर फॉर द ब्लाउज पीस जो कि आप स्लीव्स में इस्तेमाल करेंगे. ब्यूटिफुल पिंक शेड. दिस इज द थर्ड कलर ऑप्शन. तीनों के तीनों कलर बहुत अच्छे हैं, बहुत सोच समझ कर हमने कलर कॉम्बिनेशन को फाइनलाइज किए हैं. आप लोगों का फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप लोगों को ये तीनों कलर कॉम्बिनेशन कैसा लगा, इनफैक्ट कौन से कलर ऑप्शन आपको ज़्यादा पसंद आया. दिस इज ब्यूटिफुल ग्रे कलर, उसके साथ पिंक शेड, अमेजिंग डिज़ाइन. ऑल ओवर आपको ये बूटीदार वर्क मिलने वाला है प्योर कतान के जैसा. इनफैक्ट प्योर कतान में तो पैनल करके साड़ी के अंदर के तरफ पैनल करके बूटीदार मिलता है, थोड़ा हल्का हो जाता है. इसमें आपको ऑल ओवर मिलने वाला है, इक्वल डेंसिटी में मिलने वाला है. Now look at this beautiful साड़ी. ये एक कतान बनारसी साड़ी से इंस्पायर्ड भी है एंड ऑल्सो पैथनी साड़ी से भी इंस्पायर्ड है. तो इसका जो बेस कलर है वो एक बहुत ही ब्राइट रेड कलर है जिसमें हमने कंबाइन किया है जिस कलर को विथ दिस ब्यूटिफुल फिरोजा ब्लू कलर. एंड साड़ी स्टार्ट्स विद द ब्लाउज पीस फर्स्ट. यस, दिस इज द ब्लाउज पीस. यहाँ पर यू कैन सी दिस ब्यूटिफुल कोरल ग्रीन कलर, कोरल ग्रीन शेड. This is the pallu. And pallu में देखिए यहाँ पे जो border दिया गया है outline में blouse piece के sleeves के लिए exactly same border हमने दिया है. मतलब ये वाला जो border आपको pallu के outline में भी मिलेगा, यही आपके sleeves के लिए देखने को मिलेगा. You can see this is the same design, but यहाँ पे red
कलर का थ्रेड से डिजाइन किया गया है। मीनाकारी का काम आपको पल्लू एंड बॉर्डर हर जगह देखने को मिलेगा, जैसे पैतनी साड़ियों में हम देखते भी हैं। यस, मल्टीपल कलर्स के मीनाकारी। एब्सोल्युटली, एंड साड़ी में आपको छोटे छोटे बूटीदार बॉर्डर देखने को मिल रहा है। एंड दिस इज द यूएसपी ऑफ द साड़ी, दिस लोअर बॉर्डर। दिस इज द पैतनी कॉन्सेप्ट बॉर्डर, रियली नाइस लुकिंग। प्राइस रेंज के हिसाब से आपको यू नो यू आर गेटिंग मोर देन व्हाट यू आर पेइंग, ऑल ओवर देख लेंगे। सो डिज़ाइन भी बहुत यूनिक एंड यूनिक कॉन्सेप्ट है, कलर कम्बिनेशन भी बहुत ही अच्छा है। एंड ये मत सोचिएगा कि इसका लोअर बॉर्डर देखने में हेवी है तो साड़ी का वेट भी इसको हेवी कर देगा, ऐसा नहीं है। एंड ये बॉर्डर भी बहुत सॉफ्ट है, स्टिफ नहीं है ज़रा भी, पूरा जरी से वोवन है फिर भी। एब्सोल्युटली, बहुत प्यारा एक डिज़ाइन है, पहनने के बाद और भी खूबसूरत लगेगा। एंड ये सभी साड़ियाँ ज़ीरो मेंटेनेंस है, ये आप सोचिए कि ये सोचने पर आपको भी हैरानी होगा कि ये साड़ियाँ 1% भी मेंटेनेंस नहीं चाहिए होता है, नहीं चाहता है, जो कि प्योर कतान के साड़ियों में बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस हो जाता है। सेम डिज़ाइन में एक बहुत ही यूनिक कलर कॉम्बिनेशन, ये जो साड़ी है इसका पल्लू ब्लाउज पीस एंड बॉर्डर में हमने रेड को रखा है, बॉडी में एक ब्यूटीफुल स्टोन ग्रे कलर है। ये वाला साड़ी पल्लू से स्टार्ट होता है, ब्यूटीफुल। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं अमेजिंग डिजाइन। ये दूसरा कलर कॉम्बिनेशन है, एंड ये वाला कलर कॉम्बिनेशन आप लोगों को कैसा लग रहा है वो भी हमें कमेंट पर मेंशन करके बताइएगा। लुक एट द डिटेलिंग, हर एक साड़ी में आपको ऐसे ही डिटेलिंग देखने को मिलेगा। एंड दिस इज द अदर साइड ऑफ द बॉर्डर, यहाँ पर भी आपको डबल जरी का वर्क ही देखने को मिलेगा। ब्यूटीफुल पीस, प्राइस बहुत ज़्यादा रीजनेबल है, साड़ी में आपको बहुत प्राइसी रेंज वाला काम मिल रहा है। पैतनी साड़ीज आर जनरली वेरी वेरी एक्सपेंसिव, होपफुली आप लोगों को पसंद आ रहा है। नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, एंड हर साड़ी के साथ परचेज लिंक भी नीचे ही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। दिस इज द ब्लाउज पीस रेड कलर के ऊपर विद द बॉर्डर फॉर द स्लीव्स। आज का जो एपिसोड है वो एकदम मिनिमम प्राइस रेंज के ऊपर 100% रेप्लिका प्योर कतान बनारसी का था, होपफुली पसंद आया। बहुत रीजनेबल प्राइस रेंज में बहुत ही अच्छे अच्छे डिज़ाइन आप लोगों को दिखाने का कोशिश किया है, होपफुली पसंद आया आप लोगों को। बट नाउ इट्स टाइम टू सी दीपांजलि शो स्टॉपर साड़ी, जो कि अगेन बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव होने वाला है। यस, शो स्टॉपर साड़ी हमने पूरा ही यू नो पैतनी साड़ियों से इंस्पायर्ड होकर बनाया है। शो स्टॉपर साड़ी के मैं आपको दो कलर कॉम्बिनेशन दिखाने वाली हूँ। ये पहला कलर ऑप्शन है जिसमें आपको यू नो बॉडी में ऑलमोस्ट लाइक अ पीकॉक कलर, एक क्रॉस शेप पर्पल है। एंड झट से साड़ी को इस्तेमाल करेंगे। एंड विद दिस यू आर गेटिंग दिस अमेजिंग जरी स्ट्राइप वाला ब्लाउज पीस। ये वाला ब्लाउज पीस में आपको पूरा ऑल ओवर स्ट्राइप्स का वर्क मिलेगा, विच मेक्स दिस साड़ी वेरी वेरी एलिगेंट। एंड जस्ट लुक एट द पल्लू, Isn't this amazing? मैंने आपको पहले ही बताया था कि दिस साड़ी विल बी वेरी वेरी एक्सक्लूसिव। यहाँ पर आप देखिए, यू आर गेटिंग दिस ब्यूटीफुल पैतनी कॉन्सेप्ट का पल्लू, वेरी नाइस डिज़ाइन। लुक एट द कलर कॉम्बिनेशन, यहाँ पर देखिए हाईलाइट दिया गया है, यहाँ पर भी आप देखिए डिटेलिंग, हर एक यू नो बूटी में आपको अलग से आउटलाइन देखने को मिलेगा डिफरेंट कलर थ्रेड का। एंड यहाँ पर भी आप देखिए आउटलाइन में आपको डिटेलिंग मिलेगा, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। एंड बेस फैब्रिक कलर इरिडेसेंट पर्पल शेड विद दिस ट्रेडिशनल अशरफी बूटा, ऑल ओवर देख लेंगे। ये एकदम क्लासिक पैतनी साड़ी जैसा होता है उस हिसाब से है, बट प्राइस इसका बहुत बहुत ज़्यादा रीजनेबल है। यही अगर प्योर कतान में होता इसका प्राइस रेंज अप्रॉक्सीमेटली 16,000 प्लस हो जाता, बट क्योंकि ये सेम लूम पे ही बनता है फिनिशिंग इसका उसके जैसा ही मिलेगा, बट ऑफ कोर्स द यार्न इज नॉट प्योर, दैट्स व्हाई द प्राइस इज सो मच लेसर।
ब्यूटीफुल डिज़ाइन। प्राइस से आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है, परचेज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा एंड नीचे एक सब्सक्राइब बटन भी है जिसे ज़रूर आप क्लिक कर दीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। दिस इज द लास्ट सारी ऑफ टुडेज एपिसोड। दिस इज शोस्टॉपर कलर ऑप्शन बी। दिस इज द एग्जैक्ट सेम पीस दैट आई हैव ड्रेप टुडे। आई जस्ट फॉल इन लव विद द कलर कॉम्बिनेशन। पैतनी साड़ियों में वैसे भी ग्रीन कलर बहुत ट्रेडिशनल होते हैं, इस साड़ी में ग्रीन भी है एंड एक बहुत ही यूनिक ग्रीन भी दिया गया है। यस, यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्यूटिफुल बॉर्डर फॉर योर स्लीव्स, अमेजिंग डिजाइन। बेस फैब्रिक का कलर देखिए बॉर्डर के साथ पूरा मैच करके दिया गया है। दिस इज द पल्लू ऑल ओवर, रियली नाइस लुकिंग पीस। बहुत ही ब्राइट एक डिजाइन है एंड 100% ट्रेडिशनल लुकिंग पीस है। आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल डिजाइन। इसका बेस कलर ग्रीन ही है। यस, दिस इज द बेस कलर। स्क्रीन में आपको अगर थोड़ा सा ब्लूइश नज़र आ रहा है तो ये कैमरे के लिए है, बट ये वाला साड़ी का जो बेस फैब्रिक कलर है वो ग्रीन है, एकदम लाइट कोरल ग्रीन शेड, बहुत बहुत अच्छा देखने में है। प्लीज़ कमेंट पे मेंशन करके बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। होपफुली आज का एपिसोड आप लोगों को पसंद आया। हिट द लाइक बटन इफ़ यू रियली लाइक टुडेस कलेक्शन, प्लीज़ डू दैट, इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड कि आप लोगों को कलेक्शन अच्छा लगा कि नहीं। आज का एपिसोड था सेमी कतान बनारसी के ऊपर एकदम रिजनेबल प्राइस रेंज में। कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताइए। हिट द लाइक बटन इफ यू रियली लाइक टुडेस कलेक्शन। और भी ऐसे एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अभी तक अगर आपने नहीं किया है प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। बहुत जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे गुड, गॉड स्पीड, गॉड ब्लेस एवरीवन। Peace out. Bye, everyone.